राहुल गांधी रिलॉन्च प्रोग्राम के तहत भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह भी बहती गंगा में हाथ धोने की तैयारी में है। खबर आ रही है कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है, लेकिन यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली आए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि चुनाव लड़ने के सवाल को वो टाल गए। क्यों आप ऐसी बात क्यों करते हैं? हर पांचवें साल चुनाव होता है। नॉन गांधी अध्यक्ष की बात, क्यों किसने रोका था चुनाव लड़ने से? नॉन गांधी को चुनाव लड़ने से किसी ने रोका था क्या? फिर खबरों की माने तो दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि अगर गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ता है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। शशि थरूर ने भी हाल ही में सोनिया से मुलाकात की थी और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों से जाकर बात भी की थी। वहीं अशोक गहलोत को गांधी परिवार की पसंद समझा जा रहा है, लेकिन गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक गहलोत के दूर विरोधी सचिन पायलट ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को उठाकर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। वहीं राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की गरिमा याद दिलाते हुए गहलोत को नसीहत दे डाली है। The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system. And he represents a vision of India. दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत पहले से लागू है। भूमिका क्या रहेगी? बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। भूमिका क्या रहेगी? किन की? गांधी परिवार की भूमिका क्या रहेगी? जो अभी तक रही है, सेवा की। दरअसल अशोक गहलोत ने भी एक दिन पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और ये मुलाकात करीब दो घंटे चली। ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत के सीएम पद पर बने रहने की बात सुनकर खुश नहीं है, लिहाजा अब अशोक गहलोत के तेवर और सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम आए हैं, राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी है प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, इसके मायने होते हैं। जब चुनाव वगैरह शुरू हो रही है तब भी अधिकांश प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास कर दिया है। राजस्थान में भी प्रस्ताव पास, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी खड़े हैं दोतासा जी, कि सब दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। दिग्विजय के दावों को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सवाल ये है कि जब अशोक गहलोत को गांधी परिवार का अघोषित प्रत्याशी माना जा रहा है तो दिग्विजय सिंह ने 30 तारीख तक के इंतजार की बात कहकर कहानी में ट्विस्ट कैसे पैदा कर दिया है। 30 सितंबर कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर दिग्विजय मैदान में उतरते हैं तो पार्टी में नए सिरे से सत्ता संघर्ष शुरू होने का अंदेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।